क्या राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट किया जा रहा है? आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू स्पाई ऑन सर्टेन सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री? तो ऐसी ही कुछ बातें पिछले हमें कुछ समय से सुनने को मिल रही हैं कि इंडिया में और कुछ और कंट्रीज में पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के सेल फोन्स हैक किए गए हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसका नाम है पेगासस। तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेगासस क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करता है, ये क्या क्या कर सकता है और इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है। NSO जो कि एक इजराइल की टॉप कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस और ये उनका एक टॉप लीडिंग ब्रांड माना जाता है क्योंकि NSO ग्रुप का 3/4 हिस्सा पेगासस से आता है और आज की डेट में ये एक मिलियन से बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। NSO के 40 कंट्रीज में करीबन 60 कस्टमर्स हैं जिसमें सब के सब ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज और मिलिट्री शामिल हैं। पेगासस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए इंजीनियर्स को एटलीस्ट 15 वीक्स लग जाते हैं और 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसके सर्वर रूम को मेंटेन करने के लिए। तो सोचिए कितना कुछ तो लीस्ट रिक्वायरमेंट्स है इसकी। सो दैट्स द ओनली रीजन दैट NSO हैज चार्ज्ड 3.7 करोड़ रुपीज फॉर इंस्टॉलिंग द पेगासस सिस्टम जस्ट फॉर अ 1 ईयर ऑफ लाइसेंस। ये तो हो गया इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक्चुअल कॉस्ट तो इस पर डिपेंड करती है कि कितने फोन्स आपको स्पाई करने हैं। जैसे कि 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि NSO हैड चार्ज 4.8 करोड़ रुपीस फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज टू स्पाई ऑन 10 आईफोन्स, 10 एंड्रॉइड मोबाइल्स एंड 5 ब्लैकबेरी यूजर्स। और इन सब के अलावा 17% तो टोटल फीस ऑफ मेंटेनेंस लग जाती है पेगासस के सर्वर के लिए। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। पहले बात करते हैं मैलवेयर की। बेसिकली जब भी हम कोई सर्टेन वेबसाइट या लिंक को क्लिक करते हैं तो मैलवेयर हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जिसको हम फिशिंग के नाम से भी जानते हैं। बट पेगासस स्पाइवेयर सीधा हमारे स्मार्टफोन्स पर अटैक करता है। ये जीरो क्लिक अटैक के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी इंसान के कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको ब्राउजिंग करनी है और ना ही कहीं क्लिक करना है। ये स्पाइवेयर अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। ये हमारे पर्सनल डेटा जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स, फोन गैलरी, फोन के कॉन्टैक्ट्स, इन सभी को एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि फोन के माइक, फोन के कैमरा को भी ये अपने कंट्रोल में ले लेता है और जब चाहे वैसे ही ऑपरेट कर सकता है। दैट मीन्स इवन दो यू आर नॉट यूजिंग योर फोन, देन ऑल्सो इट कैन रिकॉर्ड अ कॉन्वर्सेशन if the phone is present near you. So that's the level at which it is able to monitor certain things. Pegasus ka sabse khas feature hai self-destruction feature. Pegasus self-destruct mode yani khud ko tabah kar lene wala feature. NSO ka kehna hai ki unke liye bahut important hai ki jo target hai jiska cell phone hack ho raha hai usko is baat ki bhanak tak nahi lagni chahiye ki aakhir jasusi kar kaun raha hai. ऐसे कंडीशन में पोल खुलने का खतरा होने पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब तक ये बिलीव किया जा रहा था कि एप्पल का आईफोन एक सेफेस्ट स्मार्टफोन है क्योंकि उनके जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, एप्पल के यूजर्स ये मानते हैं कि सिक्योरिटी अपडेट से स्पाइवेयर अटैक नहीं होता, पर पेगासस इस पर पूरा कंट्रोल ले सकता है और इनको भी ऑपरेट कर सकता है। बट आईफोन में एक ऐसा फीचर है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पाइवेयर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। हम आईफोन के लॉग्स निकाल सकते हैं, उसकी लॉग हिस्ट्री में ये पता चल सकता है कि कोई सस्पिशियस थ्रेड ऐसा कोई इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड इस तरह के कोई लॉग्स मेंटेन नहीं करता, इसलिए उसमें स्पाइवेयर का अटैक पाया जाना बहुत मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इफ रिक्वायर्ड वी एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री विल डिसाइड दैट सर्टेन थिंग्स शुड नॉट बी डन and should be internationally banned on both the agreement of government and the companies associated with it. ऐसा ही सेम नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा रजनीकांत की एक बहुत फेमस मूवी में जिसका नाम है रोबोट। उसमें चिट्टी इतना एडवांस रोबोट होता है कि
कि हालांकि वो बहुत कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग उसको मिसयूज करने लगते हैं और एंड में साइंटिस्ट को उसे खुद ही डिसमेंटल करना पड़ता है। इस कंडीशन में कि अगर कोई फ्यूचर में इस तरह की कोई भी हादसा हो या कोई भी ऐसी नीड आए तो उस रोबोट को हम फिर से यूज कर सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें स्पाईवेयर से बचना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप एक बहुत बड़े रॉ के एजेंट हैं और आपके पास कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि इस टाइम पे कोई कंट्री को नुकसान होने वाला है और आपने अपने नॉन एंड्रॉयड मोबाइल से अपनी एजेंसी को अपने ही कोड वर्ड्स में वो डेटा को सेंड कर दिया और अपना ही फोन आपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया इससे पहले कि आपको कोई स्पाई कर सके। द फैमिली मैन सीजन 2 की सीरीज में आपने चिलम सर्ज को जरूर देखा होगा। वो हर इंफॉर्मेशन के बाद अपना फोन इसलिए बदलते थे ताकि उन पर कोई स्पाई ना कर सके। तो अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, जो कि अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फोन्स को, अपने एप्लीकेशंस को हमेशा अप टू डेट रखें। तीसरा मेथड ये है कि आप अपने फोन में वीपीएन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है और जो भी हम एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट हो जाती है, जिसे ट्रैक कर पाना उतना आसान नहीं है। तो कुछ सवाल हमेशा हमारे मन में आएंगे, आइए जानते हैं। क्या वीपीएन यूज करने से क्या हम हमेशा पेगासस से बच सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि पेगासस लोकेशन के पैरामीटर्स पर रिलाई नहीं करता बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से हार्डवेयर में स्पाई कर रहा है। तो वीपीएन से भले ही हम अपना आईपी एड्रेस और फोन की लोकेशन चेंज कर दें, फोन का जो एक्चुअल डेटा है पेगासस अभी भी उसको ऑपरेट कर रहा है। दूसरा सवाल हमारे मन में यह आ सकता है कि अगर हम अपना फोन स्विच ऑफ कर दें तो क्या पेगासस फिर भी अटैक करेगा? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, पेगासस अभी भी काम करेगा, क्योंकि आज के दिन भी पेगासस के लिए ऐसा कोई भी फायरवॉल जैसा सिस्टम नहीं बना है कि जब तक हम अपने फोन को टर्न ऑफ करने भी जाएंगे तब तक पूरा डेटा हमारा ऑलरेडी कॉपी हो चुका होगा पेगासस के सर्वर में। अब जानते हैं कि इंडिया में क्या हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा ऐसे कई और मीडिया ने जुलाई 2021 में एक ग्लोबल रिपोर्ट दर्ज करी है कि कैसे ये स्पाईवेयर स्नूपिंग में इन्वॉल्व रहा, इंक्लूडिंग द इंडियंस। तो ये वो कंट्रीज हैं जिसपे पेगासस स्पाई कर रहा था। 27 जुलाई को जर्नलिस्ट एन राम, जो कि फॉर्मर चीफ एडिटर हैं द हिंदू के, और शशि कुमार जो कि फाउंडर हैं एशियानेट न्यूज चैनल के, दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी के आरोप में जांच की मांग की और उन्होंने अपने इस पिटिशन में कहा कि केंद्र सरकार की इस बात को डिस्क्लोज किया जाए कि क्या उनकी एजेंसी के पास ऐसा कोई लाइसेंस है जिससे कि इसराइल के इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें इंडियन सिटीजन्स पर। ओवरऑल एनालिसिस देखें तो ऐसे 50,000 नंबर हमें मिले हैं डेटाबेस से। इंडिया में लोग जो टारगेट थे जिनकी स्पाइंग हुई है उसमें 40 जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बीजेपी के मंत्री और कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग भी थे, जिसमें से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी का नंबर भी डेटाबेस से मिला है। कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने आरोप लगाते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा देने को कहा, ये बोलते हुए कि ये आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, विच गारंटीज द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पर यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ और ही कहना है। वो ये कहते हैं कि ये एक साजिश है, एक अटेम्प्ट है इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने की। NSO से इस बात को पूछा गया तो वो भी इस चीज पर अपने बचाव करते हुए ये कहते हैं, फॉरबिडन स्टोरीज नाम के कुछ ऐसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो इस बात को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं। NSO इस पर मीडिया को कुछ भी आंसर करने को रेडी नहीं है और वो ये भी कहते हैं कि ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज के कारण दुनिया में लाखों लोग चैन की नींद सो पाते हैं और क्राइम और टेररिज्म और यहाँ तक कि एयरप्लेन हाईजैकिंग जैसी घटनाओं से वो लोग सुरक्षित हैं। लेकिन 29 जुलाई को हाल ही में NSO ने वर्ल्ड वाइड अपने कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स पर इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से सस्पेंड किया है। पर ये कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन लोगों ने मीडिया को बताने से ये साफ मना कर दिया। पिछले साल भी NSO ने ऐसी ही 5 कोई गवर्नमेंट एजेंसीज को इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से ब्लॉक कर दिया था। इसके लिए हमें पेगासस जैसी टेक्नोलॉजीज और NSO को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो
एक लाइफ सेविंग मिशन पर हैं और कंपनी इस मिशन पर हमेशा ही काम करती रहेगी। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचते हैं, पर सवाल ये है कि कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही होगा कि जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स इससे एसोसिएटेड हैं उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए अगर हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए स्वाइप आउट करना है, जिस तरह से हमने केमिकल वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन किया था, तो क्या ये वक्त आ गया है कि साइबर वेपन्स पर भी बैन लगाया जाए? जिस तरह से हमारी सरकार एक छोटी सी एप्लीकेशन जो कि हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है उस पर बैन लगा सकती है, आई एम टोटली श्योर कि अगर ये डेंजरस पाई जाती है तो गवर्नमेंट और NSO इन फ्यूचर जरूर कोई इस पर एक्शन लेगी। आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी एक कवर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। रिमेंबर टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।